के सामने इस प्रेयर लाइन के जरिए हम एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे, साथ ही साथ प्रभु हमारी जिंदगी में किया हुआ हर अद्भुत कार्यों को याद करकर प्रभु के जन के बीच में प्रभु के लिए महिमा और धन्यवाद आज रात भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा जरूर होगा। प्रेस रिपोर्ट सुनने का मौका प्रभु आज हमें दिया हुआ है। करीब करीब 9-10 महीना से निरंतर प्रभु के बच्चे इस प्रेयर लाइन में जिस विषय के लिए प्रार्थना किया, जो मनुष्य की दृष्टि में असंभव था, कभी हो नहीं सकता था, प्रभु ने उसे साध्य बनाया। हर रुकावटों को, हर मुश्किलों को प्रभु ने दूर किया। मैं इसलिए बोल रहा है कि आप आज रात मुझे सुन रहा है तो ये जरूर याद रखिएगा कि प्रभु आपकी जिंदगी के हर रुकावटों को, हर मुश्किलों को दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, बिल्कुल निराश मत होइएगा। आपकी हालात, आपकी जरूरत, जो कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आज रात आपके लिए असंभव को संभव बना सकता है। हम लोग मिलकर प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमें आपका प्रोटेक्शन जले, ताकि हम प्रभु को आत्मा के समर्थ में आज रात भी महिमा और वंदना दे सके। मैं प्रिय सिस्टर को वेलकम करूंगी कि वो कुछ टाइम लेकर प्रभु उनकी जिंदगी में क्या वाला, उनकी बेटी की जिंदगी में क्या वाला, उनके परिवार की जिंदगी में क्या वाला, वो महान कार्य के बारे में बताए। सिस्टर मैं आपको वेलकम कर। थैंक यू भाई। सबसे पहले मैं हमारे खुदावंत को, वन ट्रू जिहोवा गॉड को थैंक बोलती हूँ, थैंक यू करती हूँ। मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि द गॉड ऑफ अब्राहम, आइज़क एंड जेकब ने मेरी दिल की, जो मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी और हर बॉडी वॉज रिजेक्टिंग pregnancies and she was losing babies all the time. Phir maine sister Viji ko call kiya aur maine unke aage binti ki ki aap please ye prayer request sab behan bhaiyon ke sath share kare aur sabke aage binti kare meri taraf se ke wo meri beti ko apni prayer mein yaad rakhe. के अगर जो ये प्रेगनेंसी बच जाए तो यू नो आई वुड बी फॉर एवर थैंकफुल टू गॉड एंड आई विल नेवर हैव इनफ वर्ड्स, आई विल नेवर हैव सफिशिएंट वर्ड्स दैट वुड डिस्क्राइब माय थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड हिज चिल्ड्रन लाइक योरसेल्व्स दैट कम ऑन एवरी Monday faithfully and lift up prayer requests including my daughter and I believe mera pura vishwas hai ke aap sab ki agar aap sab ki duaen nahi hoti, agar sister Viji aur aap sab ki duaen nahi hoti na to shayad meri bachchi ko aaj itna khoobsurat gift nahi mila hota. Aur because each and every one of you are such precious children of God, aap sab ne
हम पे रहम किया और हमें अपनी दुआओं में याद रखा और फेथफुली हमें मेरी बच्ची के लिए खास दुआई की दुआएं की। तो वो छोटी बच्ची बच गई है। वो प्रेगनेंसी वाज डिफिकल्ट। माय डॉटर सफर्ड एवरी डे अनइमेजिनेबल पेन एंड शी वाज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर 9 मंथ्स, बट योर प्रेयर्स अपहेल्ड हर एंड केप्ट हर बेबी सेफ इन हर वोम एंड she was being created in the image and the likeness of our Lord Jesus Christ. And in due day, on her due day, she came. Labor was not very difficult and delivery was very easy. And I want to thank each and every one of you for all of your love and prayers that you had uttered for my daughter. And as a result, I'm a grandma for the second time, and every time I go to my daughter's house and I hold that little baby girl, just my emotions well up in my heart, and joy, tears of joy coming to my eyes, that what did I ever deserve? I mean, God has truly stretched his hand out and gave me this living, breathing, beautiful little granddaughter. And I'm thanking him and I'm glorifying him all day long. And I'm thanking all of you brothers and sisters for your commitment to prayer and your love for prayer and my family. So thank you, thank you, thank you. Thank you so much. And God, may God bless each and every one of you, and may God give each and every one of you the desires of your hearts. And please let me know if there's ever any prayer request. All Sister VG has to do is text me or call me, and I will start praying for anything that any one of you may need. That's my promise. Thank you. Thank you. बहुत खुशीवा आपकी आवाज इस प्रेयर लाइन में एक प्रेयर सपोर्ट के नाते सुनने का मौका मिला. आप बेटी है या बेटा है? बेटी है. क्या नाम है उनकी? नैना. नैना. ओके नैना, बहुत खूबसूरत नाम है. नैना बेटी के एंड शी वाज आल्सो फ्री फ्रॉम. या बोलिएगा. वो 9 मंथ्स अल्कोहल भी नहीं यूज की थी. इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें. मिशेल को परमेश्वर ने 9 मंथ परमेश्वर ने अल्कोहल से भी उसको दूर रखा. हाँ जी बिल्कुल. प्रभु उनको अल्कोहल से नफरत ही देगा. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रिय बच्चे जो बॉम्बे से है, मैं सही बोल रहा हूँ ना बीजी सिस्टर? फ्लोरिडा. फ्लोरिडा सिस्टर बेटी. फ्लोरिडा से. ओके फाइन. जोनाथन, जॉयस और जोसिया आप लाइन पर हैं? यस. Yeah. चलो बहुत अच्छा लगा आपका आवाज सुनकर. इसी दिन प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ. प्रभु के महिमा के लिए एकदम ऊंचे सबसे गीत गाइएगा. हम भी आपके साथ मिलकर गाएंगे. ठीक है. फेथफुल वन. आई एम जोशुआ. दिस इज माय सिस्टर जॉयस एंड माय लिटिल ब्रदर जोनाथन. वी आर गोइंग टू सिंग अ हिंदी सॉन्ग. Yeshua si dere jaisa koi nahi tere charnon mein jhuk jaa ma aur bhai kya dar zameen Yeshua si dere jaisa koi nahi Hallelujah. Praise the Lord. Hamara
स्वामी गारी थैंक यू बहुत ही खूबसूरत जरूर बच्चों की जुबान से प्रभु की महिमा हो रही थी राजाओं के राजा तेरी महिमा हो तूने हमसे कितना प्यार किया जरूर प्रभु ने हमसे कितना ज्यादा प्यार किया बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे उनके परिवार को उनके माता पिता को उनके प्रियजनों को प्रभु आशीष दे ज्यादा से ज्यादा प्रभु के कार्य के लिए उन्हें उपयुक्त करे प्रभु के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आशीष मांगता हूँ इस वक्त प्रभु के दास हमारे साथ लाइन पर है प्रभु के दास आप लाइन पर हैं आजी लाइन पर पास्टर किरण जॉर्ज को इस लाइन पर मैं वेलकम करता हूँ आगे का 20 मिनट वो प्रभु के कलाम से हमारे बीच में प्रचार करेंगे थैंक यू प्रभु यीशु मसीह के सप्रे नाम में इन सबको नमस्कार इस प्रकार इस प्रार्थना प्रेयर लाइन में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए गाना सुनने के लिए और हमारे विनतियों को प्रभु के सम्मुख रखने के लिए कलाम सुनने के लिए जो सुविधा प्रभु दिया इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे साथ ही साथ इसका संचालन करने वाला साजन दर परिवार को और आज का प्रेयर लीडिंग करने वाला प्रभु के दास को सबको प्रभु यीशु के सबके सप्रेम नाम में नमस्कार देते हैं साथ ही साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम अपना मन लगाएंगे प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं कि जो उनके वचन सुनने वाला और सुनाने वाला और अपने जीवन में अमल करने वाला तीनों आशीषित हैं इसलिए रेवलेशन 1:3 में ऐसा लिखा है इसलिए आज परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देने से जो सुनाने वाला और सुनने वाला साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने वाला हर एक आशीष हो जाएंगे आज थोड़ी समय के मनन के लिए मरकुस की इंजिल की तरफ आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूँ मरकुस की इंजिल 5वां अध्याय इसका 25 से लेकर कुछ आए थे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 ऑनवर्ड्स और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोहू बहाने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी यीशु ने यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये इस वजन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो उनका हालत बहुत ही बिगड़ गई थी यद्यपि वो डॉक्टर के पास गए वैद्य के पास गए और अपना सारे पैसे उनके पास थे और उनके पास जो भी माल थे जो भी उसका मकान हो उसके पास जो भी सामान थे सब कुछ बेच कर भी उसने जो ऐसा ट्रीटमेंट करने के लिए गए होंगे लेकिन उसमें कोई लाभ उन्हें नहीं हुआ करके बाइबल में हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि वो और भी रोगी हो गई और भी उसकी हालत बिगड़ गई और इससे मुसीबत हालत में थे उस समय वो 28 आयत में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि वो कहती थी उस समय उसने ऐसा बोलती रही अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूं तो जरूर चंगी हो जाएगी मैं इस वचन की ओर आपका ध्यान देना चाहते हैं कि
आप अपने जीवन की समस्याओं में, अपने जीवन की मुसीबत में, बीमारी हालत में, तकलीफों के बीच में आने के समय पर आप अपने जबान से क्या बोलते हैं उसके ऊपर आपके जीवन का आशीष और जीवन का नाश, ये दोनों निर्भर रहता है करके बाइबल कहता है। और देखिएगा प्रोवर्ब नीति वचन 18 का 21वां आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रोवर्ब 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, कि उस समय अगर वो ऐसे कहती मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी और भी मैं बीमार हूं, अभी बचने का कोई रास्ता नहीं, इस प्रकार अगर उसके मुंह से निकली तो उनको कभी भी चंगाई नहीं मिलती। लेकिन उसने इस प्रकार कहती रही, हाँ प्रभु यीशु उनके बारे में मैंने किसी से सुना है, अगर यीशु के पास जाने के लिए मुझे मौका मिले, उनके वस्त्र की ही थोड़ा छोर को भी छू ले तो जरूर मैं चंगी हो जाऊंगी, इस प्रकार वो अक्सर बोलती रही। इस कारण से ही हम पढ़ते हैं कि आगे हम 27 आयत में पढ़ते हैं कि यीशु की चर्चा वो सुन लिया, यीशु उस रास्ते में आते हैं करके किसी ने उनको बता दिया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि किसने बताया, किसी ने चर्चा किया वो सुन लिया, क्योंकि ये कहती रही कि अगर यीशु के वस्त्र ही छू लूं जरूर मुझे चंगाई मिलेगी, इस प्रकार वो कहती रही। इसीलिए हमें किसी ने उसको बताया, देखो तुम जो बोलती ना हमें यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा और तुम उसके वस्त्र ही छूने से ही चंगाई हो पा जाएगा, ये जो वचन सुनकर किसी ने उसको बताया तुम्हारा यीशु यहां से होने वाला है, आने वाला है। वो सुनकर हमें वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उनके वस्त्र पीछे से जाकर चुपके से जाकर, क्योंकि लेविया व्यवस्था का पुस्तक में हम पढ़ते हैं हम जो ऐसी बीमारी वाली जो उसको अगर किसी को छुएगा वो किसी को छुएगा और उसको कोई भी छुएगा वो अपवित्र हो जाता है, ऐसे समाज में आने के लिए उनको कोई अनुमति नहीं है यहूदियों के बीच में, और वो जो है दूसरों से अपवित्र करके दूर रहने वाला एक अनुभव है उनका समाज में। लेकिन इसलिए वो चुपके से आकर यीशु मसीह को और उसके वस्त्र को छू लेता है और वो चंगाई हो गई, चंगाई पाई करके हम आगे पढ़ते हैं। और उस समय वो कहते हैं कि देखो प्रभु ने मुझे चंगा किया, लेकिन अभी मुझे यहां से कैसे भी बच जाना चाहिए। कई लोग ऐसा है कि प्रभु से आशीष पाने के लिए तो चाहता है लेकिन वो प्रकट करने के लिए नहीं चाहता, और जो उनको इस अनुभव में ले आने के लिए जिसने यीशु मसीह की चर्चा किया उसके बारे में भी नाम बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु सबको प्रतिफल देगा उस समय उसका भी नाम लेकर प्रतिफल देगा, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में उन्होंने चर्चा किया और यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने से ही ये जो ये स्त्री 12 साल से जो पीड़ित है और वैद्यों के द्वारा इतना कुछ नहीं सहा, हमें बोल नहीं सकता, इतनी सारी मुसीबतें उठाई फिर भी वो और भी मुसीबत में थे, कोई भी चंगाई कोई भी हमें तसल्ली उसके जीवन में नहीं मिला था, ऐसी मुसीबत की हालत में प्रभु यीशु मसीह के चर्चा उनको हमें जो हमें उनके कानों में आया वो वचन हमें उनको चंगाई की ओर लेके गया। मेरे प्यारों हम जब यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताता है, बाइबल कहता है कि इस दुनिया में इस प्रकार की बहुत सारी खबरें हमें जो दुनिया में है उसको तीन हिस्से में बांट सकता है। जो सारी खबरें हमें कुछ तो है बुरी खबरें हैं बैड न्यूज, कुछ तो है हमें जो है सैड न्यूज जो दुख भरी खबरें हैं, और कुछ जो तो है हमें फॉल्स न्यूज यानी हमें जो है गलत खबरें हैं। लेकिन हमें देयर इज ओनली वन गुड न्यूज इन दिस एंटायर वर्ल्ड, दैट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस, यीशु मसीह का सुसमाचार ही हमें सुसमाचार है, खुशखबरी है। और इस दुनिया में हमें 2000 साल से खुशखबरी सुनाई जा रहा है, हजारों लाखों लोगों को और करोड़ों लोगों को उद्धार और चंगाई इस खुशखबरी के द्वारा मिल गया है। मेरे प्यारों आज हम लोग अखबार पढ़ने से न तो टीवी का न्यूज सुनने से हमें इतना दुख आ जाता है कि ऐसी खबरें आ जाती है कि इतने बुरी बुरी खबरें और इतनी इतनी दुख भरी खबरें। हमें आपको मालूम है हमें जो है प्रेयर मीटिंग में भाग लेने वालों को हमें पीछे से आकर गोली मारना
और जो है प्रभु के नाम लेने वालों को सताना और जो है बच्चों को सताना, इसी प्रकार की आई मीन और औरतों को परेशान करना, इसी प्रकार की बुरी खबरों से ये सारी दुनिया आजकल भरे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ये जो है बीमारों को चंगा करने वाला और जो है पापियों को बचाने वाला, ये सुसमाचार गोस्पेल इसको ऐसा बता सकते कि गो एंड स्पेल, जाओ सुनाओ। इधर भी जो नाम नहीं लिखा हुआ एक व्यक्ति ने हमें यीशु मसीह के बारे में चर्चा किया, वो चर्चा सुनकर हमें बीमार से परेशान ये स्त्री अपने सारे पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो इतनी मुसीबत में थे, कोई भी चंगाई नहीं मिली और कोई भी हमें तसल्ली नहीं मिला, फिर भी परेशानी में था। उस समय प्रभु यीशु मसीह का चर्चा किसी के द्वारा सुना है, इसलिए बाइबल कहता है कि हमें जो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, और परमेश्वर के वचन कोई भी एक जन सुनाने से दूसरे लोगों को लाभ होता है, और हम परमेश्वर के वचन रूपी बीज बोने से कितना फल आता है करके दुनिया में हमें पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन हम प्रभु के राज्य में प्रवेश हो जाएगा, उस समय कई लोगों का चेहरा हम वहां देखेंगे जो प्रभु के वचन हमने जो सुनाया है, जो वचन रूपी बीज हमने जो बोया है, उसका असली फल हम परमेश्वर के राज्य में ही देखेंगे। और एक हमें जो प्रभु का वचन के पर्ची हम बांटने से हमें वो जो कितने लोगों के हाथों में पहुंच जाता है, कितने लोगों को शांति आनंद ले आता है, कितने लोगों को उद्धार के आनंद ले आता है, कितने लोगों को चंगाई ले आता है, वो हम नहीं जानता है, प्रभु के राज में ही मालूम पड़ेगा। ये जो व्यक्ति यीशु मसीह के चर्चा किया उसको पता नहीं चला होगा कि ये इतने मुसीबत एक घड़ी में हमें हालत में रहने वाली इस औरत को यीशु मसीह ने चंगाई दिया, ये सच्चाई वो नहीं जाने होंगे। लेकिन एक दिन प्रभु उसको प्रतिबल देगा हमें नाम लेकर, आपके जीवन में भी हमें प्रभु यीशु के बारे में चर्चा करने से, यीशु के बारे में दूसरों को बताने से हमें जो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो गदरे देश में हमें जो बुद्धग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, अब प्रभु यीशु को अपने सीमा से बाहर जाने के लिए उन लोगों ने हटा दिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ जाने के लिए वो जो बुद्धग्रस्त व्यक्ति जो चंगा हो गया उसने भी अनुमति लिया, लेकिन प्रभु कहा नहीं, तुम तो अपने घर में जाकर अपने देश में जाकर जो मैंने तेरे लिए किया है उसका बयान करो, मेरा गवाह बन जाओ। यही प्रभु हमसे चाहता है, जो प्रभु हमारे लिए किया है उसने उस प्रभु को कहा होगा है, प्रभु जी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मैं तो अभी तक सेमिनारी में रहने वाला व्यक्ति था, कोई सेमिनारी में अभी तक नहीं गया। लेकिन यीशु मसीह कहता है हमें यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए सेमिनारी में जाने का जरूरत नहीं, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम अपने मित्रों को अपने परिवार वालों को अपने देश वालों को सुनाओ, उसको कहता है सच्चा गवाह है, उसको कहता है सच्चा इवांजेलाइजेशन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें उनके नाम की महिमा करना, जो कुछ प्रभु हमारे जीवन में किया उसके हमें महिमा करना और वर्णन करना, यही है सच्चा सुसमाचार। इसलिए कहा जाता है कि प्रीच द गॉस्पेल ऑलवेज यूज वर्ड्स व्हेन इट इज नेसेसरी, जब जरूरत पड़ती है थी कुछ शब्द कहने का जरूरत है, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमें फैला सकता है, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास हमें अपने कार्यों के द्वारा ला सकता है। हम बार हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने वाले एक व्यक्ति का हमें कितना लाभ होता है उसके जीवन में, और उसके द्वारा कितने लोग उद्धार के आनंद में आता है, कितने लोग चंगाई पाता है, और ये एक हमें अनोखी बात है। इसलिए हमें उसका फल मिला या ना मिला, जरूर हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना है, उनके सुसमाचार को सुनाना है, ताकि कई लोग प्रभु के आशीष को पा सके। अरे हम पढ़ते हैं हमारा जीवन में भी, हमें उत्तर भारत में कई जगह पर पिछले 35 सालों से जगह जगह पर गांव गांव में जहां पर कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं गया, ऐसे जगह पर जाकर प्रभु का वचन सुनाया, उसके बाद वहां से चला गया। लेकिन बाद जब उस जगह पर जाता है तो पता चलते है कि जो कई लोग उद्धार के आनंद में आया, कई मंडलियां स्थापना हुआ है और लोग प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए निकला है। इस प्रकार के अनुभव देकर हम प्रभु को स्तुति करने के लिए हमें आमीन अवसर प्रभु देता। हालेलुया, क्योंकि जब हम प्रभु बीज बोता है उस समय उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन जरूर कुछ दिन के बाद उसका फल हमें मिल जाएगा, ये हमारे जीवन में एक आशीष की बात है। हालेलुया, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आगे हमें जो अंतिम भाग में उसके 33 वर्ष पढ़ेंगे, 33। हेलो, तब उस स्त्री ये जानकर कि वो मेरी कैसी भराई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसके सब हाल सच सच बता दिया, और उसने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है,
खुशहाल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हमें जो है चुप कर रहने के लिए प्रभु नहीं चाहता। जो भी आशीष प्रभु से हमने पाया है, यीशु मसीह ने कहा देखो किसी ने मुझे छू लिया है, तो अपने शिष्य लोग कहते हैं प्रभु जी इतना धक्का धक्का देखी हो रहे और जो है लोग आपके आजू बाजू में इतने लोग रहते हैं, इस कारण से किसने आपको छुआ करके एक सवाल पूछेगा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, कितने लोग आपके चारों तरफ रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा ऐसा नहीं, जो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छूता है, विश्वास के हाथ को बढ़ा कर छूता है, उसके ऊपर परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट हो जाता है और उसके जीवन में आशीष आ जाता है, उनके बीमारी मुसीबत तकलीफ दूर हो जाता है, एक नया अनुभव आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह जान लिया है, हमें कितने लोग उसके आजू बाजू में है लेकिन वो सब किसी को भी ये अनुभव नहीं मिला, लेकिन वो कहते रहा कहती रही कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू जरूर हमें चंगी हो जाएगी। वो विश्वास उस जवान से जो कहती थी वैसे ही हुआ, यीशु मसीह ने भी वही कहा हे पुत्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारे जीवन में हम लोग क्या कहते हैं, हमारा हमें जवान से क्या निकलता है उसका चौकसी करने का जरूरत है, उसका ख्याल रखने का जरूरत है। हालेलुया, अगर हम विश्वास की शक्ति बोलते रहे, अगर हम विश्वास की बातें बताते रहे तो जरूर प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य उस विश्वास के शब्दों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हो जाएगा और चंगाई भी हो और जो है समस्या से छुटकारा हो और हर एक मुसीबतों के समाधान हो। जो भी हो हम जो विश्वास करेगा जो बोलेगा, बाइबल कहता है प्रभु का दास पौलुस कहता है मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ, और उद्धार के लिए भी हम कहता है कि बाइबल रोमियों के पत्र 10:9-10 में मरते कि हृदय से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया, यीशु मसीह हमें जो मृतों के बीच में से जी उठा है वो परमेश्वर का पुत्र है। ये सच्चाई को हम हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने से हमारा उद्धार हो जाता है। हम इसलिए बाइबल कहता है कि जीवन और नाश तुम्हारे जबान पर दिया है, और जो है अपनी चंगाई के लिए भी, आपके जीवन के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य के भलाई के लिए, परिवार की आशीष के लिए, जो भी विषय आप चाहता है आप विश्वास के द्वारा हमें ऐसी बातें बोलते रहे कि प्रभु आपके जीवन में करने के लिए आप चाहता है। हालेलुया, लेकिन अविश्वास का और संदेह का असमंजस का जो है शब्द शैतान हमारे कानों में देने के समय हमें उसको हम दूर करना है और विश्वास की बातों को हमारे मुंह से निकलने के लिए, हमारे जबान से निकलने के लिए हम ध्यान देने का, तब वही हमारा जीवन में हो जाएगा और जो है प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाएगा। अब मैं आपको आज कहना चाहूंगा, हमें जो है ये स्त्री इतनी मुसीबत में थे उसने कहती रही कि अगर यीशु मसीह इस देश में आ गया तो, यीशु मसीह के पास जाने के लिए मुझे अवसर मिल गया तो हमें जरूर मैं उसका वस्त्र छूंगा छूंगी और वो मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, जो बोलती रही वैसे ही हो गया है, जो हमारे दिल की तमन्ना को जानने वाला प्रभु जीवित है। याईर के पुत्री को हमें जो जिलाने के लिए प्रभु जा रहा था, लेकिन उसी वक्त प्रभु को ये भी आशा था ऐसे विश्वास करने वाली एक स्त्री, हमें बीमारी हालत में रहने वाली एक स्त्री इस रस्ते में है, उसके लिए भी प्रभु उस रस्ते से होकर निकला है। हालेलुया, मेरे प्यारो आपके दिल की हर तमन्ना को जानने वाला एक प्रभु आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। वो प्रभु चाहता है कि आप विश्वास करें और विश्वास के आधार पर आगे कदम बढ़ाए। और यीशु मसीह के चर्चा सुनकर उन्होंने निर्णय लिया मैं जाऊंगी और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, वैसे वो बोलती रही वैसे ही संभव हुआ। जब उसको अवसर मिला तब यीशु मसीह के पास गई और हमें जो भी लोग उसको देखते तो उसको डांट लेता और उसको हटा देता, लेकिन वो चुपके से जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। जैसे वो बोलती रही वैसे ही उसके जीवन में संपन्न हुआ और अच्छी होकर प्रभु यीशु कहता है कि तू हमें अपनी हमें इस बीमारी से बचे रह, तुम्हारा विश्वास जैसा है वैसे ही हे मेरी पुत्री तुझे हुआ है। हालेलुया, मेरे प्यारो आज हमारा जीवन का विश्वास क्या है, हमारा जबान से हम क्या कहता है, प्रभु की महिमा की बातें कहे और दूसरों को लाभ होने के लिए यीशु मसीह के बारे में चर्चा करे। आज मैं वो ही करता हूँ, यीशु मसीह के बारे में चर्चा करता हूँ। यीशु मसीह वो ही है उद्धार करता, वो ही है चंगाई देने वाला, वो ही है जीवन में शांति देने वाला, वो ही है परिवार में आशीष देने वाला, वो ही है पीढ़ी में हमें अपने आशीष भरने वाला। हालेलुया, पीढ़ी पीढ़ी तक
आशीर्वाद देने वाला, क्योंकि हमारा जीवन में अनुभव से कहता हूँ, हमें मेरा पिताजी प्रभु के सेवक थे, नॉर्थ केरला में प्रभु की सेवकाई किया, और उनके बेटा बनकर मैं प्रभु की सेवा करता रहा नॉर्थ इंडिया में, और जो है मेरा बेटा अभी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हमें जो है मीरा रोड में करते, इसी प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना हमारा जीवन का हमें जो बहुत बड़ी पदवी हुए हैं। और हाल आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए, और मीरा रोड के हमें जो कलीसिया के लिए भिन्न भिन्न भाषा के लोग करते हैं अगर प्रभु की स्तुति आराधना करता है वांगे, हमें IPCNR के मंडली के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष दे और इस सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ाए। और एक बार में मैं कहना चाहूंगा, आप विश्वास करिए और वो विश्वास को अपने मुंह के द्वारा प्रकट कर लीजिए, और वैसे ही अपने जीवन में संबंध होगा, और प्रभु की महिमा करने के लिए और यीशु मसीह की चर्चा हमें जो आपके जीवन में प्रभु ने किया उसके बारे में बताकर कई लोग हम इस दुनिया में जीवित रहने के समय इसका पूरा हमें फल नहीं देखेंगे, लेकिन एक दिन हम देखेंगे प्रभु का राज्य में हमने यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने से कितने लोगों सुन लिया है, कितने लोगों के अंदर विश्वास आया है, कितने लोग चंगाई को पाया, कितने लोग उद्धार को पाया, कितने लोग आशीष को पाया है। यीशु मसीह का नाम जो है बाइबल कहता है उंडेले हुए इत्र के समान है उनका नाम, खाली जैसे गिर जाता है, ओ हालेलुया प्रभु यीशु तेरा नाम कितना हमें जो मधुर नाम है, कितना जो है सुंदर नाम है, और उस नाम की चर्चा करना कितनी अनोखी बात है। हालेलुया उंडेले हुए इत्र के समान यीशु मसीह का नाम, प्रेज द लॉर्ड, उस नाम की चर्चा करना ताकि उस नाम के द्वारा चंगाई आशीष अनुग्रह जीवन में आ जाता है, पीढ़ी में आशीष आ जाता है, संतान के ऊपर आशीष आ जाता है, परिवार के ऊपर आशीष आ जाता है, और प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए हमें अवसर मिलेगा। हालेलुया, और जो लोग आशीष पाए हैं वो लोग चुप कर रहने के लिए प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु के पास आना है, उनको दंडवत करना है, उनको सच्चाई और आत्मा में आराधना करना है, और प्रभु उससे आशीष पाकर आगे आगे बढ़ते जाना है, यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, इसलिए स्त्री के समान हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष देगा, और प्रभु यीशु मसीह मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरे संतान को आशीष देगा, मेरे परिवार में शांति आनंद देगा, मेरे सेवकाई में प्रभु मुझे आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा, इस प्रकार विश्वास की बातें कहे और शैतान के ऊपर जय पाए। प्रभु ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है, उस शक्ति और अधिकार को अपना जीवन में हमें हर दिन हमें प्रैक्टिस में लाए। प्रभु ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मेरा गवाह बनेंगे यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और दुनिया के छोर तक है। प्रभु यीशु मसीह की यही आशा है कि हर विश्वासी पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ को पाए और अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह के गवाह होए अपने जगह में, राजूबाजू में और दुनिया के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना, यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, इसलिए अपना जीवन को समर्पण करें और जरूर प्रभु आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेंगे। इस 21वीं सदी में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाह बनकर रहना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का फैलाने वाला बनना, ये प्रभु की इच्छा है आपके बारे में, तो प्रभु आपको आप कभी नहीं सोचता है उसी प्रकार की आशीष से भरपूर करेंगे। हालेलुया, इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में भी आशीष पाने के लिए यही एक जो उपाय है प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा करना, उनके नाम की महिमा करना, उंडेले हुए इत्र समान उस महिमा में नाम को, उस मधुर नाम को और उस सुगंध नाम की प्रचार करना, ये हमारा जीवन का उत्तरदायित्व है ताकि कई लोग उद्धार पाए, अंधकार के वश में से अब चोरी में आए, प्रदेश नाम की महिमा और कर सके ताकि तेरा नाम की प्रशंसा हो। प्रभु यही हमारी आशा है, प्रार्थना करिए हमारे लिए भी, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ाएंगे, उनके पीछे कार्य करने वालों को आशीष से भरपूर करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू पास्टर, इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। पास्टर जी आप प्रेयर लाइन पे बना रहिएगा, अगर किसी को प्रेयर चाहिए तो जरूर प्रार्थना में हमें सहायता चाहिए। चलिएगा पास्टर जी, इस प्रेयर लाइन में अवेलेबल है, जिस तरह आप सुन रहा था वो सुंदर नाम, उसकी चर्चा हो रहा था और उस नाम में इतना समर्थ है कि आपको वो खुशी से छुटकारा से बच सकता है। इतना ही नहीं, जिस तरह पास्टर जी बोल रहा था उस स्त्री के लिए प्रभु उस रास्ता से आया, आज रात ये हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा आप तक ये कलाम इसलिए पहुंचा क्योंकि आपकी जिंदगी को प्रभु सुंदर बनाना चाहता है, आपके अपना सुंदर मनोहर नाम से आपको सुशोभित बनाना मांगता है। आप चुप ना रहिएगा, जिस तरह उस स्त्री को सुनाई पड़ा यीशु मसीह के बारे में, उसने चुप नहीं रहा, उसने ये निश्चय किया कि मैं चाहूंगा और उस सुंदर परमेश्वर की वस्त्र को छूंगा और उसी वक्त मुझे चंगाई मिलेगा। और कलाम बोलता है
उसका निश्चय और उसके डिसीशन के ऊपर जैसा विश्वास किया वैसा ही हुआ। इस कलाम के सामने समर्पित कीजिएगा। आपको अवसर है कि प्रार्थना रिक्वेस्ट बोले और प्रभु के दास लाइन पर है। आपको इस सुंदर नाम से प्रार्थना करके प्रभु के दास के दास के द्वारा प्रभु की आत्मा आपकी जिंदगी को आशीष बनाएगा। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहता है तो आपको वक्त है। हाँ, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो जॉब के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना मांगे हैं, सिस्टर नीरजा, सिस्टर ब्रदर शर्विन, सिस्टर सोनम, ब्रदर अनुष, इनके नौकरी के लिए प्रार्थना करें। वैसे ही पिछले दिनों में हमने प्रार्थना किया पास्टर जी पॉल जो छत्तीसगढ़ में अरेस्ट हुए थे, और पास्टर राजेश परमेश्वर नाल बुद्रीति से उन्हें छुटकारा दिया है जेल से, उसके परमेश्वर की धन्यवाद हो। जब वो जिन दिनों में 3-4 दिन जब जेल में थे तो हमें प्रेस रिपोर्ट मिला कि वो 3 दिन वहाँ पे कन्वेंशन होने के लिए, वहाँ पे मीटिंग चलाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब उस पीड़ा के समय में भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उन परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और पास्टर कार्तिक पालेकर, पास्टर हिंदी हिंदू क्रिश्चियन कन्वर्ट है, परमेश्वर उनके खुद भाई ने उनके नाम से केस अभी कोर्ट केस दिया है, उस भाई के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जाने और पास्टर कार्तिक पालेकर को जो छत्तीसगढ़ में है उनको परमेश्वर उस कोर्ट केस से छुटकारा दे। पास्टर जी, इन विषयों के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा। पास्टर आप लाइन पर है? है राजी इन विषयों के लिए वाले के लिए आप अगर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके चरणों पर आते हैं हम दया कर प्रभु जी। तो अपने आश्रम से हमें भरपूर के खासतौर से जो विषय अभी सुना है प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। खासतौर से प्रभु जी जो जवानों को नौकरी का जरूरत है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आप अपना हाथ बढ़ाइए उस विषय पर राजा। हालेलुया, आपने वायदा किया, आमीन हालेलुया। हम 2 या 3 एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करने से मैं उस विषय पर हालेलुया अपने हाथ बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने वायदा किया। इसके लिए हम उस वायदा के पर विश्वास करते हुए प्रभु जी आज से बिंदी करते हैं। इन जवानों को प्रभु अद्भुत रीति से रास्ता खोल कर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। तो उनसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी, रास्ता उनको बता दे राजा। हालेलुया, और प्रभु जी आपने वायदा किया कि ओ पहले मेरा राज्य और धार्मिकता का खोजी रहो। हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम करने वाला प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम में उन लोगों की जरूरत को पूरा होने पाए प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी भिन्न भिन्न समस्या होंगे हमें सामना करने वाले, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, वो अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनके हर जरूरत को पूरा कर लीजिए राजा। आसमान के भंडार खोलकर उनके जरूरत को पूरा करने के लिए आपसे विनती करते राजा। हालेलुया, और प्रभु जी जो बीमार हैं उनको प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छू कर चंगाई दीजिए। और यीशु मसीह ने आपने कहा हालेलुया प्रभु तेरा नाम पर हालेलुया चंगाई का हालेलुया आशीष है, उस आशीष को पाने के लिए मदद कर राजा। हालेलुया, आपके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, वो विश्वास के लिए कृपा दे प्रभु जी, और विश्वास के द्वारा चंगाई को स्वीकार करने के लिए आपकी महिमा प्रशंसा करने के लिए कृपा दे राजा। हालेलुया, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो प्रार्थना विषय समर्पण किया हर विषयों को, और प्रभु जी हर कार्य को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं राजा। तेरे आशीष अनुग्रह हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु, की आशीष हर परिवार में आने पाए प्रभु जी। हालेलुया, और खुदावर हम बिंदी करता है हालेलुया आत्मिक जीवन में एक हमें आगे बढ़ने का हमें इच्छा हर एक के दिल में देने के लिए हालेलुया, नाम की प्रशंसा स्तुति महिमा उनके द्वारा होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के राज की खोजी रहने वाला प्रभु के नाम की महिमा करने वाला बनने के लिए हर एक कृपा दे प्रभु जी, और भिन्न भिन्न विषय लेकर प्रार्थना में रहने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते नाम बनाम आशीर्वाद दे खुदावेन। और इन दिनों में एक आत्मिक जागृति को इस देश में पैदा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश में एक हमें हालेलुया प्रार्थना के लिए एक हालेलुया एक जागरण इंटरेस्ट हर एक दिल में दे खुदावेन। प्रेज द लॉर्ड, और दिन रात प्रार्थना
प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में लगे रखने के लिए, तेरे नाम की प्रशंसा करने के लिए और तेरे नाम की चर्चा करने के लिए, हालेलुया, और उस नाम के द्वारा जो आशीष है उसको पाने के लिए हरे को तो विश्वास दे राजा, और जो विश्वास हृदय में प्रभु जी उसको हमारा मुख के द्वारा प्रकट करने के लिए कृपा दे, आशीष के साथ हम आगे बढ़ा खुदावैन, और खुदावैन हालेलुया हरेक हालेलुया प्रेरण में रहने वाले हरेक धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर जरूरत को पूरा कर, आसमान के भंडार हर के लिए खोल राजा, और उनके हर जरूरत को पूरा करने के लिए विनती करते हैं, सारी स्तुति प्रशंसा आदर सम्मान हम आपको देता है, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, हृदय से ग्रहण कर पिताजी, आमीन। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकता है, पास्टर जी लाइन पर है। जी जी, हमारे हमें जो मुंबई शहर के 30 मिलियन लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसमें से बहुत ही कम लोग, 1% लोग भी उतार पाए हुए लोग है, बाकी 99% लोग नाश की ओर जा रहा है, इसे मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करें, वहां के सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, मेरा रोड के हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच में हम सेवा करते हैं, और परिवार समेत प्रभु के सेवकाई में हमारे लिए प्रार्थना करिए, और हमारे लिए आराधना के लिए सुविधा हमें जो प्रभु अद्भुत से देने के लिए प्रार्थना करे, हमें परमेश्वर के हाथ हमारे साथ रहने के लिए, और भारतवर्ष के अंदर एक आत्मिक जागृति को पैदा करने के लिए, केरला से लेकर कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक, पूरा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक आत्मिक जागृति को ये दिन में प्रभु पैदा करने के लिए, और हजारों लाखों लोग उद्धार के आनंद में आने के लिए, और अंधकार के ताकत के ऊपर प्रभु जय देने के लिए, और सेवकों को प्रभु अशक्ति से और अधिकार से भरपूर करने के लिए, और शैतान के हर कार्य के ऊपर जय देने के लिए, हालेलुया, अद्भुत रीति से सेवकाई करने वाला प्रभु के महासेवकों को प्रभु खड़ा करने के लिए, प्रभु के सेवकों के जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु करने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति और अधिकार हर एक ऊपर देने के लिए, और एकता में प्रभु की सेवकाई करने के लिए खासों से प्रार्थना करिएगा, और दुख संकट में रहने वालों को प्रभु शांति आनंद देने के लिए प्रार्थना करिएगा, यही मेरी प्रार्थना है, बिंदी है, मेरा नाम है कोरल जॉर्ज, मेरे और सेवकाई के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करिए, जॉर्ज और उनके परिवार के लिए, विशेषकर उनके दिल में जो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो बर्डन दिया हुआ है, बॉम्बे के लिए उन्होंने विशेषकर बोला 20 मिलियन लोग है जिसमें से 1% लोग आज तक प्रभु के मार्ग में आ पाया है, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी हमारे हम लोगों में निश्चित है, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी विशेषकर इस प्रेयर लाइन में इस विषय के लिए प्रार्थना मांगा, जरूर आने वाले दिनों में भी इस हिंदी प्रेयर लाइन में इस विषय के लिए हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी की मिनिस्ट्री, उनके बेटे की मिनिस्ट्री, उनके पिताजी का मिनिस्ट्री को विशेषकर प्रभु आशीष देंगे, और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रभु के अनॉइंटेड प्रभु के दास हमारे बीच में है, आप मिस मत कीजिएगा चांस, जरूर आवाज उठाइएगा और बोलिएगा मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना चाहिए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू, चलिएगा प्रभु जी आप सबों को ज्यादा से ज्यादा आशीष दे, पास्टर जी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर हम ये आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट मांगे इसे हम आगे दिनों में भी हिंदी प्रेयर लाइन में याद कर प्रार्थना करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिएगा आज टाइम आगे निकल चुका है, मेरा साथ मिलकर प्रार्थना करके चलिएगा, इंडिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 140 लैंग्वेज में अभी तक बाइबल होली बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, विशेषकर प्रार्थना करेंगे, वहां के गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, मोदी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, लोकसभा राज्यसभा वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी जवान बच्चे इन सबों के लिए, बॉलीवुड सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इंडिया को यीशु मसीह की रास्ता में चलने के लिए, सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, अंधविश्वास से छुटकारा देने के लिए, जीवन नित्य जीवन देने वाले परमेश्वर की मार्ग से लोग वाकिफ होने के लिए, हर घर घर तक, हर विलेज, हर शहर में प्रभु की नाम की रोशनी पहुंचे, सच्चा कलाम की रोशनी पहुंचे, इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे, चलिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जी हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करता है, हर विलेज के लिए प्रार्थना करता है, हर शहर के लिए प्रार्थना करता है, वहां के हर मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु के कलाम के प्रचार करने वाले प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करता है, हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, जिस तरह प्रभु के दास हम लोग को याद दिलाया कि एक आत्मिक चैतन्य, एक आत्मिक दृष्टि हर लोगों के अंदर खुलने के लिए, एक
प्यास, उन्हें आत्मिक विषयों में होने के लिए, जागृति होने के लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करता है। अमेरिका के लिए प्रार्थना करता है, 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करता है, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के लिए, यहाँ के हर लीडर्स के लिए, यहाँ के चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, यहाँ के जवान बच्चों के लिए विशेषकर प्रार्थना करता है। बहुत दुख के साथ एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु के दास जिस तरह बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा होना चाहिए, उसकी सुंदर कलाम की चर्चा होना चाहिए। हमारे स्टेज, हमारे समय, इस दुनिया में शैतान जो निचलापन दिखा रहा है, अपना छोटापन दिखा रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। फिर भी अमेरिका के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो अभी हमें पता है सेम सेक्स मैरिज यहाँ लीगल हो चुका है। ऐसे बड़ी बड़ी निचलापन में, अंधकार की शक्ति में, शक्ति के उस कार्यक्रम को, उस प्रवृत्ति को हम अभी सुन सकता है, देख सकता है। ये सब होते वक्त हम हमारे अंदर एक चीज की जानकारी जरूर हो रहा है कि प्रभु की आगमन नजदीक है। हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु अपने लोगों को, एक छोटा सा शिष्य को हमेशा बचाए रखता है। ये शक्ति, ये दुष्ट जो जो कर्म है या प्रवृत्ति है वो हम तक नहीं पहुंचेगी, हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे प्रभु के जनों तक नहीं पहुंचेंगे। यीशु मसीह के रक्त से मैं प्रभु के जनों को कवर कर जयवंत परमेश्वर के नाम से जय लेकर प्रार्थना करता है। लेकिन अमेरिका जिस गलत रास्ता से चल रहा है, उस गलत रास्ता से प्रभु उन्हें वापसी दे, प्रभु उनकी आत्मिक दृष्टि को खोले और समझ पाए क्या गलत है क्या सही है। जो कंट्री इस कलाम के आधार पर स्थापित हुआ उस कंट्री को हम शैतान के हाथ में नहीं छोड़ेगा। हम यीशु मसीह के नाम से इस शहर को, इस सिटी को, इस महान देश को अवकाश के रूप में मांगता है। अंधकार शक्ति को मैं डांटता है, दूर होने के लिए आज्ञा देता है। हर मुस्लिम कंट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यूक्रेन की याद करेंगे, नाइजीरिया को याद करेंगे। बहुत सारे न्यूज हम सुन रहा है, वो सब यहाँ बोलने की तो जरूरत तो नहीं है। हम ये सबसे वाकिफ है, जानकार है। शैतान के हर 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 अधिक्रम से, हर दर्द देने वाला, दिखार देने वाला हालातों से लोगों को छुटकारा दे, प्रभु की तरफ हर लोग मुड़े और प्रभु से खुशी और समृद्धि पाए। प्रभु यीशु मसीह, इसी प्रेयर लाइन में आपके नाम से एकत्रित होने के लिए, आपके नाम को उठाने के लिए, आपकी न सुंदर नाम की चर्चा करने के लिए हम सबों को अवसर दिया। हमारे प्रिय भाई बहनों को, परिवारों को, बच्चों को, प्रभु के दासों को, कलीसियों को, देशों को, शहरों को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता है। प्रत्येक रूप से प्रभु जी इस प्रेयर लाइन में बॉम्बे के लिए प्रभु के दास ने प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगी, उस बॉम्बे को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता है। 11वीं सिस्टर बेटी ने अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगी, अंडमान निकोबार के लिए विशेषकर प्रार्थना करता है। आपकी संदर्शन जरूर उस जगहों पर हो प्रभु जी। हर देशों के लिए, हर शहरों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर प्रियजनों जो तकलीफ से गुजर रहा है, बीमार से गुजर रहा है, उन सबों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जी आप ही उन्हें बचा सकता है, जिस तरह प्रभु के दास बार बार बोला कि यीशु मसीह के ही द्वारा रास्ता है, द्वारा यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम में ही वो सुंदरता और वो खूबसूरती हम सबों के जिंदगी में आ सकता है। प्रभु जी हर प्रियजनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता है और एक जयवंत से भी बढ़कर जिंदगी की आह्वान देता है। प्रभु जी इस हिंदी प्रेयर लाइन को ब्लेस कीजिएगा, आज रात इस हिंदी प्रेयर लाइन में आकर गीत गाए, हमारे प्यारे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता है। आने वाले दिनों में आपके नाम की प्रचारक बनने के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए उन्हें हम समर्पित कर आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों को भी, वो उनके चर्चेस को भी अब आशीष दीजिएगा। आज रात कलाम से बात किया वाले प्रभु के दास के लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। उनके उनके बेटे को, उनके पिताजी को पीढ़ी से पीढ़ी प्रभु के कार्य में जुटा हुआ कितना सुंदर टेस्टिमनी हम लोग सुन रहे हैं। परमेश्वर उनके हर कार्यक्रमों में आपकी आशीष और बढ़ोतरी देकर उन्हें आशीष दीजिएगा। आज रात इस हिंदी प्रेयर लाइन में आए वाले हर परिवार जनों के लिए, हर भाई बहनों के लिए, प्रभु जनों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु जी उनकी जिंदगी में किसी चीज का कमी ना है, कहीं पे भी किसी चीज का गति ना हो, क्योंकि वो प्रभु के नाम के, प्रभु के शरण में आए हैं। प्रभु उन्हें हर आशीष से भर दीजिएगा। परमेश्वर सज्जन परिवार के लिए प्रार्थना करता है, हर प्रेयर लाइन पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करता है। इसका प्रेयर लाइन में आकर अपने कीमती समय व्यतीत किया वाला प्रभु के दास लोगों, प्रभु के
कलाम से प्रचार किया वाला, गीत गाकर प्रभु की महिमा किया वाला, हर प्रिय जनों को, प्रिय दासों को आपके प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता है, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलता है। प्रभु जी आपके आगमन में देर है तो अगला हफ्ता फिर जब हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा मिलेंगे तो जरूर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु हम सबों को उपयुक्त करेंगे, रोग दुख कष्ट अनर्थ सबसे प्रभु हमें बचाएंगे। यीशु मसीह के रक्त की मुद्रा से मैं सब लोगों को छिपा कर यीशु मसीह के नाम से जय का ऐलान करता है प्रभु जी। प्रभु जी हर तरफ से हर चीज हम लोगों के लिए आशीष बने। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। अभी जिस स्टाफ लाइन में है तो फर्दर ड्यूटीज कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सर एक सहायता की, हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर की जय जयकार करें। लाइन लीड करने के लिए प्रभु के दास पास्टर जैन को परमेश्वर ने तैयार किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाने के लिए परमेश्वर ने बच्चों को फ्लोरिडा से सिस्टर बेट्सी वर्गीज के बच्चे ब्रदर बिजू एंड बेट्सी वर्गीज के बच्चों ने गाना गाया, फ्लोरिडा से जोनाथन जोइस एंड जोसाया परमेश्वर उन बच्चों को आशीष दे। हालेलुया, पास्टर कोरियर जॉर्ज को परमेश्वर ने मुंबई से अभी ओक्लाहोमा में है, परमेश्वर उनको परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करे और परमेश्वर के वचन से आज प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद हो। मीरा रोड में जो उनका परमेश्वर के मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं उसमें परमेश्वर आशीष थे। निरंतर हम प्रार्थना में आपको याद करेंगे। थैंक यू पास्टर, हालेलुया, परमेश्वर को एक बार और धन्यवाद हो। आज तक परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन को चलाने के लिए विशेष कर स्टेला सिस्टर का जो प्रेस रिपोर्ट आपने सुना वो ट्विन प्रेगनेंसी था। हालेलुया, बहुत गिड़गिड़ा कर सिस्टर ने बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट बेबी ट्विन प्रेगनेंसी का एक बेबी लॉस हुआ तो सिस्टर ने प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा, परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से उस बिटिया को दिया, इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो। उसी तरह उस परिवार को परमेश्वर फिर से उस परिवार को परमेश्वर सेव करे। हालेलुया, अनुज को परमेश्वर रक्षा, हालेलुया, वो सहायता करे, इसके लिए हम फिर से विनती करें। और एक और बार हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम प्रभु के कार्य में लगे रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, इसके लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, हैव ए गुड नाइट। अभी जा आ तू अभी जा, यीशु पुकारता जिंदगी का वो रास्ता, यीशु पुकारता अभी जा आ तू अभी जा, यीशु पुकारता जिंदगी का वो रास्ता, यीशु पुकारता।